रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पफ पैटीज। पहले इसके लिए हम बना लेते हैं घी को अपने को। हम 4 टेबलस्पून डाल देंगे। टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून फ्लोर, ये डाल दूंगी। इसे हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, बहुत अच्छी तरह से करेंगे इसे कि इसका दाना, घी का दाना ख़त्म हो जाए। घी के दाना, जो घी होता है वो ख़त्म करना है हमने। हो चुका है, ये देखिए कितना मुलायम हो गया सारा जो हमने ऊपर लगाना है। अब इसे साइड पे रख देंगे। गूंद लेते हैं अपने आटे को। एक प्याली ली है मैंने ये मैदा, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून पफ पैटीज के लिए पानी, बस नॉर्मल हो। थोड़ा थोड़ा हल्के डालूंगी पानी को मैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। आटे को मैं इस तरह से अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि आटा हमारा मुलायम हो जाए। पानी नहीं लगाएंगे अब इसे। थैली की मदद से मैं गूंदूंगी इसे। आटा हमारा बन चुका है। अब हम इसे देंगे 15-20 मिनट। ये 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। चने की दाल में भी डालना है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं चेदड़ मिर्च। अब कर लूंगी इसे अच्छी तरह मिक्स। हल्की आंच पे इसे हम पका लेंगे क्योंकि अंदर आलू डाल दें, चिकन डाल दें, कीमा डाल दें, दाल डाल दें, जो मर्जी डाल दें, वो आपकी मर्जी है। आटा हमारा ठीक हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसकी रोटियां। ये रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे इन पे घी। इस तरह से सारे लगा लेंगे। लगाऊंगी मैं थोड़ा सा ये सूखा आटा, मैदा ही थोड़ा सा हम लगा देंगे। फिर इसके ऊपर रख देंगे हम अपनी दूसरी रोटी। कर देंगे हम इस तरह से। फिर हम लगा देंगे इस पे घी। डाल देंगे फिर इसे रखेंगे अगली रोटी को। सब रोटियां हमने बराबर बनाई हैं। इसमें भी लगा देंगे। सारी हो चुकी हैं। अब हम इनको लपेटेंगे इस तरह। अंदर की तरफ इनको फोल्ड करेंगे। इस तरह से
ये देखे माशाल्लाह से कितनी तहें बन गई हैं हमारी। इनको जोड़ते जाएंगे। सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए हमने काट लिया और कितनी प्यारी लेयर बनी है। देखिए अंदर से कितनी प्यारी इनकी लेयर बन गई है। अब इनको हम बेल लेते हैं, हल्का सा दबाएंगे हल्का सा और इसे बेल देंगे और इसे ऐसे ऐसे हल्का हल्का बेल देंगे इसे हम। इसे मैंने चकोर काट लिया है, अब इसके अंदर मैं भरूंगी अपना मसाला। थोड़ा सा मसाला रखेंगे और इसे लपेट देंगे। साइडों से थोड़ा सा पानी लगा के इसे बंद कर देंगे। मुख्तलिफ शेप दे दिए मैंने। मुख्तलिफ शेप दिए इनको मैंने। हर तरह से बनाने थोड़ी देर रखेंगे फिर इसे पलटेंगे। अब हम निकाल देते हैं इनको। ये मुख्तलिफ ये देखें कितनी हमारी लेयर वाली पास्ता पीस तैयार हुई है। मैंने मुख्तलिफ शक्ल की बनाई है। बाकी की भी हम फ्राई कर लेंगे। मुख्तलिफ शक्ल की बनाई है हमने पापेटीज, बहुत अच्छी करारी। ये देख अगर गर्म है अभी बहुत ज़्यादा। लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। आज़ाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।